टुडे योर क्लास स्टार्टेड। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लैंग्वेज प्रोसेसर तक बता दिया था, आज उसकी डीप स्टडी करेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था लैंग्वेज प्रोसेसर एक ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम क्या होता है कि जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है जो प्रोग्रामर्स ने डेवलप की, जैसे हुए सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन लैंग्वेजेस को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना जो कि कंप्यूटर समझ सके। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देना, आपका प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, मशीन लैंग्वेज में, मीन्स कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देना। तो कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर डेट ट्रांसलेट, मतलब ट्रांसलेट मीन्स कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट कर देना लैंग्वेज ऑफ एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम की लैंग्वेज को, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसमें कंप्यूटर समझ सके, इंटरप्रेट कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। मीन्स सीधी सीधी बात याद रखो, हाई लेवल लैंग्वेज को जो भी प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखी जाती हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम, मतलब जो कंप्यूटर की भाषा होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का होता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर आज हम पढ़ेंगे तीन टाइप के होते हैं, एक है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। तो एक असेंबलर क्या होता है, असेंबलर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो असेंबलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर डेट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, ऐसे प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे रहते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, जिसमें ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें सिंबल्स होते हैं, जैसे आपको कुछ एडिशन कराना है तो लिख देता है एड, सब्ट्रैक्शन कराना है तो सब, इक्वेशन को इक्वल्स में करना है तो इक्वल, तो मतलब एक तरीके से क्या होता है, ऐसे सिम्बॉलिक फॉर्म में जैसी जो भाषा लिखी जाती है उसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। दूसरा आता है कंपाइलर, कंपाइलर का काम क्या था, मैंने बताया हाई लेवल लैंग्वेज को उठाकर पूरी पूरी किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। और मैंने कहा इंटरप्रेटर का भी काम यही रहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को उठाता है पूरा और किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि बेटा कंपाइलर क्या करता है, पूरी पूरी एक बार में पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को उठाएगा, पूरे प्रोग्राम को उठाएगा और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, पूरी एक बार में पूरे प्रोग्राम को नहीं उठाता है, क्या करता है, एक लाइन को करेगा कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में, फिर दूसरी लाइन उठाएगा हाई लेवल लैंग्वेज की, फिर उसमें मशीन लैंग्वेज में, फिर तीसरी लाइन। तो ऐसे प्रोग्राम की जैसे मान लो 10 लाइनें हैं तो पहली बार में एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो 10 लाइन में हर एक एक बार 10 लाइन को क्या करेगा, उठाएगा और फिर मशीन लैंग्वेज में करेगा। और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पूरी बार एक बार में पूरी 10 लाइन उठा लेगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो कंपाइलर की अपेक्षा इंटरप्रेटर स्लो काम करेगा क्योंकि ये एक एक लाइन को करेगा और ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में उठा लेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर डेट ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्राम इंटू अ मशीन लैंग्वेज। अ कंपाइलर रीड्स द सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम मतलब क्या होता है, कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम मतलब ये पूरा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इस पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, रीड करेगा एट वन गो, मतलब एक बार में पूरा जो प्रोग्राम लिखा था पूरे प्रोग्राम को एक बार में क्या करेगा, रीड करेगा और डिस्प्ले ऑल कंस्ट्रक्शन एरर्स इन द प्रोग्राम, और पूरे प्रोग्राम को क्या कराएगा, एक बार में एग्जीक्यूट कराएगा और जो भी एरर या गलती आ रही होंगी तो वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा। Once all the errors are removed by the programmer, एक ये प्रोग्राम जब तक हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा, जब तक कि कोई अगर एरर रहती है, अगर आपके प्रोग्राम में एरर होती है तो कभी भी कंपाइलर क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रन नहीं कराएगा। ये जब पूरा रन कराएगा, जब पूरा प्रोग्राम आपका सही होगा। तो कंपाइलर क्या करता है, पहले देखता है कि आपका प्रोग्राम पूरा एरर है फ्री है कि नहीं है, अगर ये पूरा एरर फ्री है तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो एक बार में क्या हुआ, पूरे अगर एरर रिमूव कर दिए गए तो कंपाइलर पूरा क्या करेगा, एक बार में पूरे प्रोग्राम को उठाएगा और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर डेट ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, मैंने आपको क्या बताया था, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा और पूरी एक लाइन को दूसरी एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, एक क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता रहेगा। इंटरप्रेटर रीड्स ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम, मैंने कहा एक समय में एक स्टेटमेंट मतलब एक ही लाइन क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा या एग्जीक्यूट कराएगा। एक बार में एक लाइन को क्या, एरर देखेगा, अगर वो एरर फ्री हुई तो क्या करा देगा, उसको एग्जीक्यूट करा देगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम कैन नॉट बी रिज्यूम्ड अंटिल द एरर इज फिक्स्ड, कहते हैं कि अगर
इंटरप्रेटर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मतलब रनिंग जो हो रही है उसको क्या नहीं करता है, रिज्यूम नहीं करता है, मतलब छोड़ता नहीं है, वो पूरा पूरा क्या कराता है, इसे एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, तो इट इज एसेंशियल फॉर एन इंटरप्रेटर टू ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज वेन एवर अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इज रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट इट लाइन बाई लाइन। तो ये कह रहा है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएगा इंटरप्रेटर के द्वारा, तो ये नेसेसरी है कि इंटरप्रेटर क्या कर रहा हो, उस समय प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहा हो, इंटरप्रेटर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, हर जगह पूछा जाएगा, क्लास 12th तक आपको पूछा जाएगा। तो देख लीजिए एक बार क्या डिफरेंस है। इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग प्रोग्राम्स, कंपाइलर लॉन्ग प्रोग्राम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे है, क्योंकि पूरे पूरे एक बार में पूरे प्रोग्राम उठाते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये लाइन बाई लाइन करेगा, तो ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं तो उनमें कंपाइलर अच्छा होता है, छोटे प्रोग्राम के लिए इंटरप्रेटर चलेगा। तो और कंपाइलर क्या करते हैं, लेस मेमोरी लेते हैं, उन्हें कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, और इंटरप्रेटर को ज़्यादा जगह की पड़ेगी, क्योंकि ये हर बार एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर उसे एक मेमोरी देगा। ठीक है, इट टेक्स मोर प्रोसेसिंग टाइम, इट टेक्स लेस प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेस करने के लिए देखो कंपाइलर को ज़्यादा समय लगा है कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ये क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक बार में उठाता है, ये लाइन बाई लाइन करता है। इट डिस्प्ले द एरर आफ्टर फिनिश, ये एरर कब बताता है, जब पूरा प्रोग्राम रन कर देता है तब ये एरर बताता है। लेकिन ये क्या करता है, ये एरर कब बता देता है, जब एक बार में एक लाइन अगर एग्जीक्यूट हुई तो अगर उसमें एरर हुआ तो बता देगा कि इसमें एरर है कि नहीं है। ठीक है, तो आज हमने लैंग्वेज प्रोसेसर कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये इंटरप्रेटर कंपाइलर और असेंबलर। ठीक है स्टूडेंट, तो कल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अभी समझ में आ गया तो जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कौन सा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें समझने की आवश्यकता ही नहीं होगी अगर अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आप नेक्स्ट टर्म में समझ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।